नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आप सभी देख रहे हैं छोटी बड़ी पल पल की जानकारी टूटी फूटी आवाज में रेवसा सीतापुर प्रेम वाजपेयी के साथ। बने रहिए, देखते रहिए आपकी खबर आप तक, खबर जहां नजर वहां। आपको बता दें कि ये जो तस्वीर आपको दिख रही है एक महिला आंगनबाड़ी की तस्वीर है, थाना रेवसा क्षेत्र इलाके की तस्वीर है। चंद्रसैनी की निवासी महिला बताई जा रही है आंगनबाड़ी, और इसके साथ एक तथाकथित पत्रकार और अपने को चीफ ब्यूरो कहने वाला और क्षेत्र में आए दिन धन उगाही की चर्चाओं का बाजार गर्म है, और ऐसा ही प्रकरण ये सामने आया है। काफ़ी बदतमीजी की है इस आंगनबाड़ी महिला से, किसी चुनावी रंजिश गांव में किसी के कहने पर बुलावे पर इस पत्रकार के द्वारा तथाकथित, और काफ़ी बदतमीजी की है। आप बातचीत के अंश उस महिला से और उसके पुत्र से, उसके पति से पूरी बातचीत के अंश आप सुनेंगे। आए दिन पत्रकारिता के नाम पर लोगों को बदनाम किया जा रहा है, जो सच्चाई और सही पत्रकार हैं उनकी भी बदनामी हो रही है तथा कथित। और इस प्रकार के उद्धर उगाही करने वाले कुत्ते का पट्टा जैसा गले में टांग कर इधर उधर घूम रहे पत्रकार, कुछ चुनिंदा तथा कथित जो कि क्षेत्र एक चौथे स्तंभ को बदनाम करते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही मामला एक प्रकरण थाना सकरन सांडा के इलाके का है, जो अपने को अमित अवस्थी नाम बता रहा है, और काफ़ी आए दिन क्षेत्र में धन उगाही की शिकायतें लोगों द्वारा की जा रही हैं। कहीं न कहीं आए दिन अपनी सुर्खियों में कारनामे के वजह से बना रहता है। ऐसा ही प्रकरण एक आज चंद्रसैनी का मामला आंगनबाड़ी से उगाही का करने का आया है, और काफ़ी हद तक उसके साथ बदतमीजी की और काफ़ी जातसूचक गालियां भी दी है, उल्टे उसके ऊपर हावी हुआ और धन उगाही की भी बात सामने आई। आइए मिलाते हैं कुछ बातचीत के अंश आप सुनेंगे पीड़िता से और उसके परिजनों से क्या हुआ। थाने में तहरीर दी है, वहीं पर जब इस बाबत बात की गई थाना प्रभारी बीके मिश्र से, तो उन्होंने बताया कि मामला जानकारी में है और जांच कर कार्रवाई, उचित कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह है कि ऐसे सोहदे तथा कथित पत्रकारों पर क्या कार्रवाई होती है कि नहीं होती। हालांकि पीड़िता ने यहां तक कहा है कि अगर यहां कार्रवाई नहीं होगी तो हम आगे तक जाएंगे। इस पीड़िता महिला से पूरा परिचय करते हैं, क्या नाम है आपका, कहाँ रहती हैं और कौन सा पद है, किस कार्य के पद पर तैनात हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्ञानवती राज है, मैं एक आंगनबाड़ी कार्य करती हूँ, बादशाहपुर से काम करती हूँ, और मेरा घर चंदसैनी में है, रेवसा ब्लॉक थाना रेवसा तहसील बिसवा में। क्या हुआ है आपके साथ? आज सुबह की बात है, 6 बजे मैं झाड़ू लगा रही थी तो एक मेरे वहाँ पत्रकार गए। क्या नाम था उस पत्रकार का? उस पत्रकार का नाम अमित अवस्थी था। और रहता कहाँ का है? सांडा में रहता है। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो मैं झाड़ू लगा रही थी तो उन्होंने मेरा मतलब पूछा मुझसे, मेरे घर जहाँ मैं बाथरूम में थी वहीं पहुँच गए। मैं चकित हो गई कि कौन है मेरे घर के अंदर आ गया है। मैंने पूछा कौन है भैया आप, बोले हम पत्रकार हैं। तो हम कहा हाँ बताओ, मैंने कुर्सी दिया बाहर आकर के, हमने कहा कुर्सी पे बैठो, कहें नहीं तुम राशन क्यों नहीं बांटती हो? तो हमने कहा राशन तो कोटेदार को मिलता है और समूह को मिलता है, जब हमको वो लोग देते हैं तब हम बांटते हैं, तो अभी राशन हमको नहीं कोटेदार ने नहीं दिया है, वही बांटेंगे, अब देने का ऑर्डर नहीं है। तो बोले कि मतलब आप बांटती नहीं हो, बहुत सारी शिकायतें हैं और बदतमीजी करने की कोशिश की उन्होंने मेरे साथ। तो मैंने उनको इस तरह से हाथ किया कि आप दूर रहो, आप हमसे दूर से बात करो। तो उन्होंने हमको बहुत गाली गंदी दी और हमारे बार पकड़ के वही फर्श पे हमको पटक दिया। इसके बाद में बच्चा था, जो हम चिल्लाए तो हमारा बच्चा डंडा मतलब वही डंडा पड़ा था, तो बच्चा चिल्ला पड़ा और उसने डंडा उठा के हमको यहाँ पे मारा, कमर पे मारा, और बहुत सारी बदतमीजी की हमारे साथ में। मैक्सी हमारी फाड़ दी, पकड़ के खींच लिया और बोलता है तुम जैसे शूद्रों को हम पैरों के नीचे रखते हैं लड़कियों को, और आंगनबाड़ी ऐसी आंगनबाड़ी हम बहुत देखी, पुलिस हमारा कुछ नहीं कर सकती, मैं एक पत्रकार हूँ, मैं जो चाहूँगा वो हो जाएगा, नहीं तो हमको 2000 रुपये दो। तो हम बोले 2000 रुपये हम क्यों दें आपको, जब हम अपना काम कर रहे हैं तो हमारे पास इतनी तो सैलरी है नहीं जो हमको 2000 रुपये दें। तो उसने हमको बहुत मारा पीटा, और इसके बाद में जो हमारे पड़ोस में पूर्व प्रधान है सुरेंद्र भार्गव, उनके पिताजी ने भी हमको उल्टा सीधा कहा और अपने घर में उसको बिठा लिया, कहा कि तुम इसका कुछ नहीं कर पाओगी। मैं तो क्या उसको बुलाया था क्या उसने? हाँ, 1 महीने से वो बुला रहे थे, हम नहीं जानते थे वो किस लिए बुलाते हैं, क्योंकि हम अपने काम से काम रखते, हमको नहीं पता था। अच्छा, उसके वहाँ आना जाना था? हाँ, उसके वहाँ आना जाना था। इसके बाद उसको उन्होंने कमरे में बिठा लिया और हमसे बोलते कमरे के अंदर चलो, तो हम क्यों जाएं कमरे के अंदर। कौन कहा ये बात? ये वही सुरेंद्र के पिताजी भगवान दीन। अच्छा, तो बोलते हैं तुम्हारी ऐसी की तैसी करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगी और आंगनबाड़ी हो अपनी औकात में रहो। अच्छा, पत्रकार ने अभद्रता की भी की? हाँ, अभद्रता की, उन्होंने मैक्सी फाड़ दी हमारी तो, और मतलब मारा पीटा भी हमको। थाने में क्या एप्लीकेशन दी आपने? हाँ, हमने थाने में एप्लीकेशन दिया है। थाने में कुछ सुनवाई हुई आपकी? अभी तक तो नहीं हुई है। फिर आगे आपने कुछ कार्रवाई? आगे सर हम आगे तक जाएंगे, SP ऑफिस जाएंगे, आगे जाएंगे, DM सर के साथ पास जाएंगे,
सर हम सभी जगहों पे जाएंगे। जब यहाँ कार्रवाई नहीं होगी तब? जी सर। तो आप क्या चाहती हैं? सर हमको उचित न्याय मिलना चाहिए, हम एक औरत हैं तो इसका मतलब ये थोड़ा नहीं मर्द हमको पैर की जूती समझेगा। हम सोशल वर्कर है, हम मेहनत से काम करते हैं अपना। अभयराज। पिताजी का? सुधीर कुमार। अच्छा कौन लोग हो? कौन लोग हो? पासी। अच्छा कहाँ रह घर है? चंद्रसेनी। ये बताओ जो ये प्रकरण हुआ है तुम्हारी मम्मी के साथ, ये उस जगह आप मौजूद थे? नहीं सर। मौजूद नहीं थे? नहीं। कहाँ थे आप? सर दूर थे, जब ये सब होने लगा तब सर हम आए। जब आए तो मम्मा के बाल नोचे थे और उनको मार रहे थे और गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। मैसेज हैं? मैसेज हैं। क्या देखा जो घटना इनके साथ घटी, वो उस समय आप थे कि नहीं थे? हम खेत को गए थे, सुबह का वक्त था, खेत से वापस आ रहे थे तो सूचना मिलने पर हम दौड़ कर आए वहाँ पे। तब तक देखा कि अमित कुमार अवस्थी जो है उनसे मारपीट हो रही थी मिसेज से हमारे, और गांव का कोई भी वहाँ पर कोई भी नहीं, बीच में नहीं था, घर के अंदर थे, इनको घसीट कर लाया था बाहर। अच्छा अच्छा फिर आपने इसके बाबत में कार्रवाई कोई थाने में कागजी कोई कार्रवाई? थाने में कार्रवाई के लिए आए हैं और थाने में कार्रवाई करने के लिए जा रहे हैं। फिर पुलिस को नहीं बुलाया था मौके पे? मौके पर 112 लगाया था, उन्होंने हमसे कहा कि जा करके थाने में तहरीर दो। मौके पर गई नहीं थी? गई थी सर। गई थी 112 लाई थी उनको? हाँ उन्होंने बोला था तो कि वहाँ पर जाइए, तो साथ में लगभग साथ में ही आए थे। अच्छा तो थाने में आपने प्रार्थना पत्र दिया है? जी अब देने जा रहे हैं। अच्छा तो पुलिस ने कुछ कार्रवाई की? अब उम्मीद तो है कार्रवाई उचित होगी। अच्छा फिर आगे कहीं? आगे सर अगर यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं होगी तो ऊपर तो वरना CO साहब के यहाँ जाएंगे, इसके बाद में SP ऑफिस में जाना पड़ेगा। इस प्रकार से कोई भी लेडीज को बदतमीजी से पेश आएगा तो हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? तो आपको क्या लगा आपके साथ क्या हुआ है, क्या कि उसने की? उसने पैसे मांगे, पैसे बाद में पूछा तो पता चला कि पैसे मांगे थे 2000 रुपये, इस कारण विवाद शुरू हुआ कि मैं प्रेस रिपोर्टर हूँ, मुझे 2000 रुपये दो और न्यूज निकाल देंगे। और इसके बाद जब मना किया तब उन्होंने इनको कहा शूद्र रहो, शूद्र तना रहो और पाथी चमारन के जज ने कहा थे वह मैं रहा करें। और काफ़ी बेइज्जती की बातें की ने, चारों तरफ चिल्ला चिल्ला के बोले कि शूद्र रहो, शूद्र जैसे रहो और तुम तो सब लोग ये जूतन तरह बराबर है।